डीमोनेटाइजेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी। अगर दुर्बल होती हम ये कतई सफल, ये तब सफल होता है ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत थी। और इसी समय दूसरा इसका समय, ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है, इसके लिए मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। और आप देखिए हमारे देश में साल भर में जितना व्यापार होता है करीब उतना ही व्यापार दिवाली के दिनों में हो जाता है, यानी 50% दिवाली के दिनों में, 50% साल भर। एक प्रकार से पूरा उद्योग व्यापार किसानी सब काम दिवाली के आसपास उसकी पीक पर पहुंच जाता है। उसके बाद नेचुरल लल पीरियड हमारे देश में हमेशा होता है, दिवाली के अलावा दुकानदार भी 15-15 दिन बंद रख करके बाहर चले जाते हैं, लोग अपने आप घूमने। ये प्रॉपर टाइम था कि जबकि सामान्य कारोबार ऊंचाई पर पहुंच गया है, अगर 15-20 दिन दिक्कत होती है और फिर 50 दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं आज देख रहा हूं कि जो मैंने हिसाब किताब कहा था उसी प्रकार से गाड़ी चल रही। नोटबंदी के संबंध में कोई कहता है 150 बार, कोई कहता है 130 बार, वो सब अलग अलग आंकड़े बोल रहे हैं। इतने नियम बदले, बहुत अच्छा याद रखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो एक ऐसा काम था जिसमें हम जनता हम समझने के बाद रास्ता खोजने का प्रयास करते थे। दूसरा, जिन लोगों को सालों से लूटने की आदत लगी है वो रास्ता खोजते तो हमें बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था, लड़ाई का मौसम था। एक तरफ देश को लूटने वाले थे और एक तरफ देश को ईमानदारी की तरफ ले जाने का मोर्चा लगा हुआ था, लड़ाई पल पल चल रही थी। वो एक तू डाल डाल में पांच पांच इस प्रकार से लड़ाई चल रही थी।